हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस बैलेंस सो एसिड बेस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेट्स स्टार्ट द वीडियो एसिड बेस बैलेंस इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होता है बेसिस क्या होते हैं प्लस इसका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है और बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है बॉडी में सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एसिड बेस बैलेंस एसिड बेस बैलेंस क्या होता है इंपॉर्टेंट फॉर दी होम्योस्टेसिस ऑफ दी बॉडी सो सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहना चाहिए बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे एग्जाम्पल आप टेम्परेचर का ले लीजिए बाहर कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो थर्टी डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस सो ये एक एग्जाम्पल है सो so, एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी के होम्योसेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा तो कोई भी सेल एक्टिविटी नॉर्मली नहीं होगी देन ऑलमोस्ट ऑल दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन दी एसिड बेस स्टेटस ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट सारी की सारी जो फिजियोलॉजिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डाइजेशन रेस्पिरेशन ये सभी किस पर डिपेंड कर रही है एसिड बेस बैलेंस पर अगर एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो ये सभी अपना काम करना बंद कर देंगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी देन है एसिड एसिड क्या होता है एसिड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एसिड क्या होता है एसिड इज अ प्रोटोन डोनर सो एसिड क्या होता है प्रोटोन डोनर प्रोटोन क्या होता है मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन सो एसिड वो है जो कि प्रोटोन को डोनेट करता है कि इसके पास क्या है एक एच पॉजिटिव आयन होता है द सब्स्टांस दैट लिबरेट्स हाइड्रोजन आयन इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन जो सब्सटांसिस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं एसिड जिनके पास एक प्रोटोन होता है देने के लिए और वो प्रोटोन कौन सा है ये वाला हाइड्रोजन आयन तो जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है उसको बोलते हैं एसिड वेन डिजोल्व इन वाटर जब भी एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो वो क्या रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है हमारा स्टमक एसिड स्टमक एसिड क्या है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या होता है एसिडिक होता है ऑफकोर्स एसिड है तो इसको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या बनता है एच सी एल एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव सो इसने क्या लिबरेट किया एच पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन मीन्स तो ये एक एसिड है देन हाइड्रोजन आयन क्या है हाइड्रोजन आयन हाईली रिएक्टिव होता है ये जो हाइड्रोजन आयन है सो so, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए एसिड बेस बैलेंस के लिए हाइड्रोजन आयन तो ये हाइड्रोजन आयन की ही सारी स्टोरी है एसिड बेस बैलेंस में तो इसको आपने याद रखना है और ये हाईली रिएक्टिव होता है सो इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट शोज सीवियर इफेक्ट्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी थोड़ी सी भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होती है तो हमारी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं बैड इफेक्ट तो हाइड्रोजन आयन एसिड आपने ये भी याद रखना है एसिड कौन है जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है इट मींस आप ऐसे याद रख सकते हैं जहां भी एच पॉजिटिव आयन आया मतलब एसिड देन बेस बेस क्या होता है अ बेस इज द प्रोटोन एक्सेप्टर इसका उल्टा ये क्या करता है प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है मतलब ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है एसिड को एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और इसको एक्सेप्ट करके ये क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेस तो बेस क्या है अ बेस इज द प्रोटोन एक्सेप्टर द सबस्ट दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन ये क्या करता है इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है ये देने के लिए तैयार है हाइड्रोजन आयन एसिड और ये इसको एक्सेप्ट करता है बेस देन और बेस क्या करता है गिव ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और ये किसको करता है हाइड्रोक्सिल आयन को देता है ये लेता किसको है एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है बेस और रिलीज किसको करता है या लिबरेट किसको करता है हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी इसको बोलते हैं ओ OH एच नेगेटिव सो so बेस क्या है ओ एच नेगेटिव एसिड क्या है एच पॉजिटिव वेन डिजोल्व इन वाटर जब इसको डिजोल्व करते हैं अब बेस का एग्जाम्पल क्या है एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या लिबरेट OH तो OH करता है एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव तो ये ओ एच नेगेटिव को लिबरेट करता है हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एसिड्स प्रोड्यूस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली एसिड्स बनते रहते हैं क्यों क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है रेस्पिरेशन है डाइजेशन है ये सारे क्या बनाते हैं एसिड्स बनाते हैं तो इन एसिड को बैलेंस भी करना है इसलिए इसको बैलेंस कौन करता है बेस सो बेस इसको बैलेंस करता है इसी को क्या बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस सो ये बैलेंस बहुत जरूरी है अगर ये नहीं होता तो क्या होगा बैड इंपैक्ट होगा हमारी बॉडी पर जिसको क्या बोलते हैं एसिड बेस देन बेस रियक्ट विद एसिड एंड कैन न्यूट्रलाइज द एसिड सो अब हम देखेंगे पी क्या होता है पी एच सो ये pH क्या है इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही पी एच है सो पी एच पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के आगे पी लगा है मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन सो कितने हाइड्रोजन आयन है किसी सोल्यूशन में वो पीएच से पता चलता है सो पीएच एच का एक स्केल होता है आप सभी ने देखा भी होगा सो वन टू फोर्टीन ये स्केल होता है और सेंटर में क्या होता है सेवन सो so, ये पी स्केल है सेवन क्या होता है न्यूट्रल न्यूट्रल मीन्स ना तो ये एसिड होता है ना बेस अगर किसी का सेवन है तो जैसे कि वाटर वाटर न्यूट्रल है हम पी, पी रहे हैं वाटर ना ही वो एसिड है ना ही बेस है वो न्यूट्रल है तो सेवन से अगर नीचे कोई वैल्यू होगी सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो वो क्या होगा एसिडिक मीन्स अगर सेवन से नीचे वैल्यू है तो वो सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है अगर सेवन से ज़्यादा वैल्यू है किसी चीज़ की एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो वो सॉल्यूशन क्या है बेसिक और बेसिक का दूसरा नाम क्या है एल्कलाइन सो वह एल्कलाइन है या फिर बेसिक है सो so, ये पी स्केल है अब हम पढ़ते हैं पी इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ एच पॉजिटिव एक और छोटी सी इक्वेशन है जो कि आपको पी एच याद रखने में बहुत हेल्पफुल करेगी ये है पी एच की इक्वेशन पी एच इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन सो ये लॉग लूग आप ना याद रखें अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो पी एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इट मीन्स अगर पीएच इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज है मतलब हम अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम है तो उसका पीएच क्या होगा ज्यादा होगा इट मीन्स पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो सोल्यूशन क्या होगा बेसिक अब बेसिक क्यों क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम है हाइड्रोजन आयन आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन आयन जब भी बात आएगी तो आपने क्या याद रखना है एसिड तो अगर एसिड ही कम है तो पीएच ज्यादा आएगा मतलब कि वो बेसिक साइड में जाएगा अब अगर पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन क्या है ज्यादा है मतलब कि किसी सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा मिले हैं, तो उसका पीएच क्या होगा कम होगा क्यों हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा बढ़ेंगे वो क्या है एसिड acid. तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो तो उसका पीएच क्या होगा सेवन से कम तो वो एसिडिक होगा सो so, ये सिंपल सी इक्वेशन है जिसको आपने याद रखना है, कि किसके है के। अगर तो पीएच इज एन इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी राइट पीएच से हमें एसिडिटी का पता चलता है बेस एल्लिनिटी का पता चलता है राइट देन द नॉर्मल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन दल्यूलर फ्लूड अब ये तो हो गई बाहर नॉर्मल बात कि सेवन न्यूट्रल होता है और इतना एसिडिक होता है सेवन से नीचे और सेवन से ऊपर क्या होता है बेसिक होता है ये नॉर्मल है अब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें हमारी बॉडी का हमारे ब्लड का पीएच क्या है हमारे एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड जो है प्लाज्मा जो है उसमें कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है तो वो कितनी होती है कि जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में होती है बहुत कम होती है फोर्टी नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर तो ये क्या होती है नैनो होती है ये मिली नहीं है यहाँ पर मिली गलती से भी मत लिखना है यहाँ पर नैनो लिखना फोर्टी नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर थोड़ी सी ही होती है लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है थोड़ी ही बहुत ज़्यादा चेंज हमारी बॉडी में करती है तो फोर्टी नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर देन नॉर्मल एसिड बेस रेशो अब हमारी बॉडी का जो एसिड बेस रेशो है वो कितना होता है कि कितना एसिड होना चाहिए और कितना बेस होना चाहिए तो वन रेशो ट्वेंटी होता है। अगर एक एसिड है तो ट्वेंटी बेस होने चाहिए नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सो दिस इज़ वन रेशो ट्वेंटी हमारी बॉडी में होना चाहिए देन है ब्लड पीएच हमारे एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड का प्लाज्मा का कह लो या फिर ब्लड का ये तीनों चीजें अगर आती हैं तो उसका पीएच क्या है टू ये रेंज है इसको अच्छे से याद कर लो सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव हमारे ब्लड का पीएच है या फिर अगर आपने एक डिजिट लिखना है अगर ऑप्शन में आता है तो वो क्या होगा सेवन पॉइंट फोर और ये रेंज क्या है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव अब यहां पर जो पी एच स्केल है यहां पर यह कहा, कहा आ रहा है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव कहां पर आता है क्या ये न्यूट्रल है हमारा ब्लड नहीं तो ये 7.35 टू 7.45 है इट मीन्स ये थोड़ा सा बेसिक है हमारे ब्लड का जो पीएच है वो थोड़ा सा अल्कलाइन है ओके तो ये बात भी आपने याद में रखनी है देन इफ पीएच डिक्रीजेस दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अब सेवन तो न्यूट्रल है सेवन से कम क्या होगा एसिडिक सेवन से ज़्यादा क्या होगा बेसिक अब अगर हमारी बॉडी में सेवन से कम होगा या फिर सेवन पॉइंट थ्री फाइव से हमारी बॉडी में हमने सेवन को नहीं कंसीडर करना हमारी बॉडी में हमने सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव रेंज है तो अगर हमारी बॉडी में सेवन पॉइंट थ्री फाइव से कम हो जाता है तो वो क्या होगा हमारी बॉडी के लिए एसिड हमारे ब्लड के लिए वो एसिडिक एन्वायरमेंट हो गया तो अगर सेवन नॉर्मली तो पीएच स्केल में न्यूट्रल आता है लेकिन हमारी बॉडी में सेवन क्या है अगर सेवन आ जाता है पीएच हमारे ब्लड का तो न्यूट्रल नहीं होगा वो हमारी बॉडी के लिए वो क्या होगा एसिडिक हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रल क्या है 7.35 टू 7.45 ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा अल्कलाइन है लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये ही बैलेंस चाहिए इससे थोड़ा सा भी कम हो गया तो हमारी बॉडी डेंजर में है तो 7.35 से नीचे चला गया अगर पीएच तो वो कंडीशन को एसिडिक बोलते हैं और इस कंडीशन को डिसीज कंडीशन को क्या बोलते हैं एसिडोसिस एसिडोसिस और इससे ऑपोजिट अगर पीएच इंक्रीज चला जाता है किससे इंक्रीज 7.45 से बढ़ जाता है अगर पीएच तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं क्योंकि बेसिक को भी बोलते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे एल्कलोसिस एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है देन एन इंक्रीज इन पी एच बाई वन फोल्ड रिक्वायर्स टेन फोल्ड डिक्रीज इन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अभी अब इस बात को समझते हैं ईजिली कि पीएच बढ़ता है या घटता है तो एच पॉजिटिव आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी कितनी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो पी में चेंज देखने को मिलेगा वो भी एक डिजिट से जैसे कि सेवन जो पी है जो कि न्यूट्रल पी है स्केल में तो सेवन पी का मतलब है कि हंड्रेड एच पॉजिटिव आयन है हंड्रेड कॉन्सेंट्रेशन है एच पॉजिटिव आयन की सेवन की अब हमको सिक्स पी अगर किसी का है तो इट मीन्स ये हंड्रेड से कितना हो गया सिक्स क्या है सबसे पहले देखो सिक्स है एसिडिक एसिड Acid. तो इट मीन्स एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये टेन फोल्ड बढ़ती है एक डिजिट कम करने के लिए तो ये हंड्रेड से कितनी हो जाएगी थाउजेंड सेम अगर हमने फाइव करना है तो ये एक डिजिट जो जीरो है वो एक और बढ़ जाएगी तो ये टेन फोल्ड डिक्रीज होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने पीएच को इंक्रीज करना है अब इंक्रीज करते हैं पीएच को तो पीएच को अगर इंक्रीज किया है तो ये टेन फोल्ड डिक्रीज हो जाएगा मतलब ये टेन एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी अगर और डिक्रीज करना है तो ये वन तो ये पीएच की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसे ही, इतनी मतलब एच पॉजिटिव आयन पीएच तो सिर्फ वन डिजिट से बड़ा लेकिन एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन देख लो कितनी बड़ी या घटी टेन टाइम्स तो इसलिए ये जो पीएच थोड़ा सा भी कम होता है या ज्यादा होता है तो एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज होती है तब जाके पीएच में चेंज आता है तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी होपफुली So, अब हम पढ़ेंगे हैंडसन हैसलबैक इक्वेशन के बारे में तो ये जो इक्वेशन है आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है सो so, जैसे हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी कि जो पी एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के अब एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो दो चीजों के बैलेंस पर डिपेंड करती है वो दो चीजें लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए सो so, ये जो इक्वेशन है वो एज इट इज वैसे से क्या है दिस इज पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग एच सीओ थ्री नेगेटिव या फिर एच सीओ थ्री माइनस अपॉन सीओ टू यह जो पीके होता है ये कांस्टेंट होता है 6.1 लेकिन आप इन चीजों को इग्नोर कर दो ये जो इतना पार्ट है ये इग्नोर कर दो जो मेन चीज याद रखने वाली है वो क्या है पीएच इज इक्वल टू एच सीओ थ्री नेगेटिव अपॉन सी ओ टू अब देखो अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एच सी ओ थ्री माइनस और सी ओ टू सी ओ टू तो आपको पता है ये गैस है जो हम एक्सेल करते हैं ये एच सी ओ थ्री नेगेटिव क्या है ये है बाइकार्बोनेट्स. बाइकार्ब, bicarb. या फिर सिंपली इनको को बाईकार्ब भी बोलते हैं या फिर बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आयंस हैं सी ओ टू हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो एच सी ओ थ्री नेगेटिव है इसको अब इन दोनों चीजों को ना आपने एक चीज से ध्यान रखना है कि ये जो एस एसिड ओ पॉजिटिव आयंस बनते हैं तो जब भी आपने सी टू को याद रखना है ना तो मतलब एसिड आप दिमाग में वैसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए और ये तो बेस है ही है बायकार्बोनेट आयन क्या है बेस है तो अब पी यहां पर भी क्या है सीओ टू पीएच अगर इंक्रीज होगा CO2 टू डिक्रीज मतलब CO2 टू अगर कम हुआ है तो पीएच इंक्रीज होगा पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है बेसिक राइट एल्कलाइन सो बेसिक सो सीओ टू क्योंकि एसिड है अगर एसिड कम हो गया तो बेस बेस बन जाएगी बॉडी मीन्स एल्कलाइन हो जाएगा मीन्स पीएच बढ़ जाएगा इसका ही ऑपोजिट अगर पीएच कम होता है और CO2 टू बढ़ता है तो मतलब सी टू अगर किसी चीज में बढ़ गया है तो CO2 का लेवल बड़ा बॉडी में तो pH क्या होगा डाउन जाएगा राइट right. अब ऐसे ही एक और चीज समझते हैं कि जैसे ही pH है HCO3 नेगेटिव क्या है ये इसके बिल्कुल सामने है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CO2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल था अब pH इंक्रीज होगा HCO3 इंक्रीज अगर किसी सब्सटेंस में किसी सॉल्यूशन में एच सी ओ थ्री नेगेटिव इंक्रीज हुआ है मीन्स बायकार्बोनेट इंक्रीज हो गए हैं आयन तो बायो कार्बोनेट क्या है बेस है इसका मतलब पीएच भी इंक्रीज होगा मीन्स एल्कली की तरफ पीएच आएगा राइट अब बायकार्बोनेट कम हुए हैं तो पीएच भी क्या होगा कम होगा बायोनेट बेस कम हो गया तो मतलब पीएच किसकी तरफ जाएगा एसिड की तरफ तो ये जो दोनों का बैलेंस है एच सी ओ थ्री नेगेटिव और सीओ टू इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है इन दोनों की बैलेंस की वजह से ही जो एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बनी रहती है बैलेंस बना रहता है उसका सो so, अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस अब एसिड बेस बैलेंस कंट्रोल कैसे होता है कैसे रेगुलेट करती है हमारी बॉडी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सो so, सबसे पहले हमारी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं लंग्स फर्स्ट सेकेंड किडनीज वेरी इंपॉर्टेंट सो so, लंग्स क्या करता है हमने पीछे ही पढ़ा था सी टू गैस के बारे में सीओ टू क्या है एसिड से मैंने उसको कॉरेट करवाया था आपके माइंड में बिठाने के लिए सो सीओ टू लंग्स लंग्स क्या करेगी सी टू को बाहर निकालेगी एक्सहेल करेगी ताकि एसिड को बाहर निकाल सके बॉडी से तो so, लंग्स का काम ये है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किडनीज जो बायकार्ब आय्स पढ़ाए थे मैंने पीछे बायकार्ब कार्बोनेट आयंस एच सी थ्री माइनस सो किडनीज क्या करती है उनका रीअब्सॉर्बन करती है मेनली रीअब्सॉर्ब्शन ऑफ बाई कार्बोनेट आयंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एच पॉजिटिव आयन मीन्स एसिड को ये बाहर निकालती है और एच सी ओ थ्री नेगेटिव बेस को ये रीअब्जॉर्ब करती है जब जरूरत पड़ती है जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इसका ऑपोजिट भी कर सकती है एच पॉजिटिव आयन्स को कम एक्सक्रीट करेगी एच सी ओ थ्री नेगेटिव को ज़्यादा एक्सक्रीट करेगी वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है नाउ तीसरा एक और सिस्टम होता है जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है इंपॉर्टेंट है बफर सिस्टम ब्लड बफर्स भी बोलते हैं इसको या फिर बफर सिस्टम तो तीन को से ब्लड बफर सिस्टम लंग्स एंड किडनीज ब्लड बफर सिस्टम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मीन्स ये बहुत जल्दी आते हैं फर्स्ट एड की तरह सो so, ये क्विकली आते हैं बट ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ब्लड बफर सिस्टम ये क्विकली आते हैं और उतना ही क्विकली ये अपना काम कर देते हैं और लॉन्ग टर्म इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देन ये रीएडजस्ट करते हैं पीएच विद इन सेकेंड्स विद इन सेकेंड्स में ये पी एच को ठीक कर देते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो ब्लड बफर आते हैं वो फर्स्ट आता है बायकार्बोनेट बफर सिस्टम बाय कार्बोनेट बफर सिस्टम क्या है अभी हमने जो बायकार्बोनेट आयंस के बारे में पढ़ा उसी का ही बफर सिस्टम है देन सेकेंड है फोस्फेट बफर सिस्टम एंड थर्ड है प्रोटीन बफर सिस्टम अभी हम इसको डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म लंग्स जो हैं ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बहुत ज़्यादा क्विकली तो एक्ट नहीं करते थोड़ा सा समय लगाते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है ये ब्लड बफर सिस्टम से इसका जो इफेक्ट है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है टाइम थोड़ा ये ज्यादा लेते हैं जैसे कि ये रीएडजस्ट करते हैं पीएच को विद इन मिनट्स ये सेकंड्स में कर रहा था तो ये विद इन मिनट्स में करते हैं देन ये क्या करते हैं अभी मैंने बता दिया कि सी को रिमूव करते हैं सी क्या है एक एसिड है अगर वो नहीं हमारी बॉडी में होगा तो एसिड नहीं बनेगा कैसे नहीं बनेगा आगे देखेंगे देन रीनल मैकेनिज्म किडनीज किडनीज क्या करती है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है मतलब इन्होंने सबसे लेट अपना काम शुरू करना है सबसे लेट पीएच को एडजस्ट करना है किडनीज ने तो किडनीज क्या करती है टेक फ्यू आवर्स टू डेज कुछ घंटों से दिनों तक एडजस्ट करती रहती है पीएच और फिर जाकर कहीं पीएच एडजस्ट होता है और किडनीज का किया हुआ पीएच जो एडजस्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है उस वो इफेक्टिव रहता है तो ये जो किडनीज है काफी देर लगा रही है पीएच को एडजस्ट करने में तो इसका मतलब क्या है कि कुछ दिनों से है तो इट मीन्स पर्सन को क्रॉनिक कोई कंडीशन है पीएच की इसलिए किडनीज वहां पर अपना काम कर रही है तो वो एबीजी वगैरह में पता लग जाता है अगर किडनीज कॉम्पनसेट कर रही हैं तो देन ये हमने देख ही लिया कि किडनीज कैसे एक्सक्रीट आउट करती हैं एच पॉजिटिव और रीअब्सॉर्ब कैसे करती हैं सो so, सबसे फर्स्ट क्या है बफरिंग सिस्टम बफर सिस्टम को हम देखेंगे क्या होता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट एड की तरह ये क्विकली आ जाता है और विद इन सेकेंड्स में पी को एडजस्ट कर देता है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता बफर क्या होता है बफर इज अ सबस्टांस दैट प्रिवेंट्स रेडिकल चेंज इन फ्लूड पी एच बाई एब्बॉर्बिंग एक्सेस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन किसी भी सोल्यूशन में अगर एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा है मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक हो गया ज़्यादा तो उसमें अगर हम बफर को एड कर देंगे तो वो क्या कर देगा सोल्यूशन को न्यूट्राइ न्यूट्रलाइज कर देगा एच पॉजिटिव आयन को रिसीव कर लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा सोल्यूशन ऐसे ही हाइड्रोक्सिल आयन मीन अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो गए OH किसी सोल्यूशन में ज्यादा हो गया मीन सोल्यूशन बेसिक है तो ये क्या करेगा उसके साथ रिएक्ट करके और सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये होते हैं बफर और फ्लूड में कोई चेंज ये नहीं आने देते ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बफर है जैसे कि पीएच में अगर थोड़ा भी चेंज होता है 7.35 से कम जाता है या 7.45 से ऊपर जाता है तो ये बफर क्विकली आते हैं और एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम हमारी बॉडी में है कार्बोनिक एसिड बाय कार्बोनेट बफर कार्बोनिक एसिड बाय कार्बोनेट बफर बाय कार्बोनेट बफर इसलिए क्योंकि ये जो बफर है ये हमारी बॉडी में अब बफर अमाउंट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए ये बफर बहुत इंपॉर्टेंट है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ईसीएफ में लाइक like प्लाज्मा में ब्लड में अब एक इक्वेशन है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस इक्वेशन को समझ लो आपको ऑलमोस्ट एसिड बेस बैलेंस समझ आ जाएगा तो CO2 हमारे बॉडी में है कहाँ से आ रहा है मेटाबॉलिज्म से आ रहा है सेल मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं बार बार सी छोड़ रहे हैं तो सी बहुत ज्यादा आ रहा है सी किसके साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ वाटर भी हमारी बॉडी में और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एच टू थ्री में एच टू थ्री क्या है कार्बोनिक एसिड अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है एक वीक एसिड है वेरी वीक CO2 ओ टू प्लस एच टू किस में कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनिक एसिड में किसकी हेल्प से कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ हाइड्रेस सी ए जो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ ये इन्ज़ाइन की हेल्प से ये एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अब ये जो कार्बोनिक एसिड है क्योंकि ये वीक एसिड है ये जल्दी से किस में ब्रेक डाउन हो जाता है एच सी ओ थ्री नेगेटिव में जो कि बाई कार्बोनेट है अगर आपको याद हो तो मैंने ये पीछे पढ़ाए हैं वो उस इक्वेशन में एच सी ओ थ्री नेगेटिव वो पोन सी ओ टू में एच सी ओ माइनस क्या है एक बायकार्ब है मीन्स ये एक बेस है और ये प्लस किस में रिलीज हो जाता है एच पॉजिटिव आयन ये इसको तो याद हो ही गया होगा आपको ये क्या है एसिड ट तो में, में, में और क्या रिलीज करते हैं साथ साथ है. तो सबसे पहले ये को याद कर लो और ये इक्वेशन जो है ये दोनों साइड चल रही है इधर भी चल रही है और ये इधर से उल्टी भी आ सकती है जब जरूरत पड़े जरूरत के अकॉर्डिंग मीन्स कि कॉन्स्टेंट इसका एक बैलेंस हमारी बॉडी में बनाई हुआ है इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है बैलेंस हमारी बॉडी बना रही है अब ये जो बफर है ये बफर क्या होता है ये हमेशा एक इसमें वीक एसिड होगा प्लस साथ में ये कॉन्जुगेट बेस होगा या फिर एक कॉन्जुगेट या फिर एक वीक बेस होगा या फिर कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होते हैं बफर अब यहाँ पर जो वीक एसिड है वो क्या है H2CO3 टू सी थ्री कार्बोनिक एसिड और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है हमारा बायकार्बोनेट अब जैसे ही सपोज किसी सोल्यूशन में हमारी बॉडी के सोल्यूशन uh, ही लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड लेते हैं उसमें एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है एच पॉजिटिव आयन मीन्स एसिड एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये जो बायकार्ब है बेस ये क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा इसको रिसीव कर लेगा क्योंकि बेस क्या करते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा कार्बोनिक एसिड एस टू सी यू थ्री ये एक वीक एसिड है वीक एसिड होने की वजह से ये अब ये अब इक्वेशन इस साइड चल रही है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ टू प्लस टू में सी टू आपको पता ही है, है ये लंग्स के थ्रू एक्जेल आउट हो जाएगी सी ओ टू बॉडी से बाहर गया तो आपको मैंने बताया था कि सी ओ टू को किससे रिलेट करना है एसिड से सी ओ टू गया एसिड गया बॉडी से बाहर अब सी ओ टू प्रेजेंट नहीं होगी तो ये इक्वेशन इधर साइड तो जाएगी नहीं सी ओ टू कम होगी ना बॉडी में तो अब इक्वेशन इधर साइड कम जाएगी तो एसिड कम रिलीज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है तभी एसिड बन रहा है तभी ये इक्वेशन यहां तक पहुंची है अब यही बॉडी से बाहर भिजवा रहे हैं तो एसिड कम हो जाएगा तो क्या मैंने बताया था कि बॉडी में क्या कंडीशन हो रही है एसिडिक कंडीशन हो रही है एसिडोसिस हो रही है तो ये इक्वेशन इस साइड चलेगी अब सेकंड कंडीशन लेते हैं सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है सपोज हमारी बॉडी में क्या हो रहा है बेसिक हो रही है हमारी बॉडी एल्कलोसिस हो रही है मीन्स उसमें क्या हो रहा है एच पॉजिटिव आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है हमारी बॉडी में तो क्या होगा ये इक्वेशन अब इस साइड चलेगी CO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एन की प्रेजेंस में H2CO3 ये जो कार्बोनिक एसिड बना है वीक एसिड विच इज अ वीक एसिड ये क्या करेगा जल्दी से स्प्लिट होगा किसमें बायकार में प्लस एच पॉजिटिव आयन्स में अब ये एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा रिलीज हो गए अब अब ये इक्वेशन इस साइड चल रही है अभी इधर साइड चलती रहेगी जब तक कि पी एच मेनटेन नहीं होता बॉडी का मीन्स एच पॉजिटिव आ गए तो एसिड आ गए बेस बेसिक हो रही थी बॉडी किसकी ज़रूरत थी एसिड की ज़रूरत थी एसिड आ गए तो न्यूट्रलाइज हो गई तो इस तरह से ये इक्वेशन वर्क करती है कौन सी इक्वेशन है ये क्या बफर है कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट बफर अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी इस ये जो पार्ट है इक्वेशन का ये लंग्स कंट्रोल करता है ये जो पार्ट है इक्वेशन का ये किडनीज कंट्रोल करती है कैसे मैं बताती हूं कि अभी हमने देखा कि सी ओ टू कहाँ से एक्सेल होती है लंग्स से तो ये सीओ टू लंग्स हैंडल करता है देन ये जो बायकार्ब है ये कौन रीऑब्जॉर्ब करता है किडनीज किडनीज इनको रीऑब्जॉर्ब करती है ये जो एसिड एचपोजिवाइंस है इसको एक्सक्रीट आउट करती है बॉडी से और ज़रूरत पड़ने पर यह क्या कर सकती है इस बाइकार को एक्सक्रीट आउट कर सकती है और इसको इसको कम एक्सक्रीट आउट करेगी एच पॉजिटिव को कब अगर सपोज एसिडोसिस uh, हो गया बॉडी में तो एसिडोसिस की कंडीशन में ये क्या करेगी हमें क्या चाहिए बाइकार चाहिए बेस चाहिए तो ये क्या करेगी इनकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी बाइकार की और इसको बॉडी से निकालेगी एच पॉजिटिव आयंस को एसिड को निकालेगी अब बॉडी में अगर एल्कोलोसिस हो गया बेसिक कंडीशन होगी है तो ये किडनीज क्या करेगी अब एल्कोलोसिस में हमें क्या चाहिए एसिड चाहिए तो ये इसको इतना रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी लेकिन एच पॉजिटिव आयन को रीअब्जॉर्बन करके रखेगी मीन्स एच पॉजिटिव आयन को बॉडी से बाहर नहीं जाने देगी तो इस तरह से किडनीज वर्कआउट करती है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट बफर अब ये यहाँ पे दोनों बफर का काम कर रहे हैं ये एच पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता है मीन्स एक्सेप्ट करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है सीओ टू आगे निकल जाए ठीक है अब ये कार्बोनिक एसिड की हेल्प से क्या होता है दोबारा से है एच पॉजिटिव आयन बनते हैं देन अब दूसरा बफर सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है बफर सिस्टम अब क्या करते हैं इट वर्क्स इन आई सी एफ एंड इन आरबीसी मोर इन आई सी एफ देन ई सी एफ अब वो जो हमने कार्बोनिक जो बाय बफर है वो हमने पढ़ा था कि वो ई सी एफ में वर्क करता है मीन्स ब्लड में वर्क करता है लेकिन ये जो फोस्फेट बफर सिस्टम है ये हमारा इंट्रा सेलुलर वर्क करता है मींस आरबीसी सेल्स के अंदर आरबीसी में वर्क करता है और अदर सेल्स में क्योंकि फोस्फेट की कंसेंट्रेशन इंट्रा सेलुलर फ्लूड में ज्यादा होती है देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड दिस अलोंग विद अमोनिया एंड ऑल्सो यूरिनरी बफर्स ये जो फोस्फेट है ना और अमोनिया है ये क्या है यूरिनरी बफर भी है वो हम आगे किडनीज में पड़ेंगे जस्ट अभी ऐसे ही याद रख लो ये यूरिनरी बफर्स भी हैं तो इसमें क्या क्या आता है इसमें आता है डाई हाइड्रोजन फोस्फेट जो कि एक एसिड है और हाइड्रोजन फोस्फेट जो कि एक बेस है मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है बफर में एक वीक एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस होता है या फिर एक वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड होगा देन इफ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ओ एच नेगेटिव एंटर द सेल्युलर फ्लूड दे आर न्यूट्रलाइज बाई डाई हाइड्रोजन फोस्फेट आयन अब डाई हाइड्रोजन फोसफेट आयन क्या है एसिड है और अगर किसी सॉल्यूशन में हम बेस ऐड कर दे ओ एच नगेटिव आयन वाली चीज ऐड कर दे तो ये जो एसिड है ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा देन इफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन आर एंटर इन द सेल्यूलर दे आर न्यूट्रलाइज बाई हाइड्रोजन फोसफेट आयन अगर किसी सोल्यूशन में हम एसिड ऐड कर दें हाइड्रोजन आयन ऐड कर दे तो ये जो बेस है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा नेक्स्ट इज प्रोटीन बफर सिस्टम सो जो प्रोटीन बफर सिस्टम है ये भी इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है ये इंट्रा सेलूलर सेल cell के अंदर भी ही एक्ट करते हैं और सेल के बाहर भी ESF में भी। सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेल्स के अंदर कैसे एक्ट करते हैं। प्रोटीन बफर सिस्टम्स इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी प्रोटीन बफर सिस्टम होते हैं सो सपोज दिस इज रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल जो इसके अंदर क्या होता है Hemoglobin. सो so, ये जो हीमोग्लोबिन है ये मॉलिक्यूल जो है ये पिगमेंट जो है ये एक्ट करता है एज अ बफर सिस्टम ये कैसे एक्ट करता है वेन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम्स डीऑक्सीजिनेटेड जब ये डी फॉर्म में होता है इन कैपिलरीज, इट इजली बाइंड विद एच पॉजिटिव विच आर रिलीज वेन सी टू एंटर्स दी कैपिलरीज सो कैसे होता है अभी देखो जब ये डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के साथ अभी अटैच नहीं है वैसे ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये एच पॉजिटिव आयंस के साथ भी बाइंड हो सकता है और ओ ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कब बाइंड होगा जब एच पॉजिटिव आयन बाइंड नहीं होगा इट मीन्स ये एक टाइम पर एक से ही बाइंड हो सकता है और दूसरे को रिलीज़ कर देता है सपोज अभी ये एच पॉजिटिव आयन से बाइंड है तो ये इससे बाइंड नहीं होगा ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होगा तो इसलिए इसने कहा है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये क्या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में एच पॉजिटिव आयन से बाइंड हो जाता है कैसे हो जाता है जैसे कि टिश्यूज़ की जो कैपिलरीज हैं जो टिश्यूज़ के आसपास ब्लड कैपिलरीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है सी का लेवल हाई होता है तो CO2 टू का लेवल हाई होने की वजह से क्योंकि CO2 टू एक गैस है इजिली डिफ्यूज हो जाती है सेल के अंदर जब ये सेल के अंदर जाती है एच टू ओ के साथ रिएक्ट करके हमें पता ही है देन जब CO2 H2O टू एच टू ओ के साथ रिएक्ट करता है कौन सी इक्वेशन बनती है कार्बोनिक एसिड बनता है एच टू सी ओ थ्री और एच टू सी ओ थ्री किस में ब्रेकडाउन हो जाता है एच सी ओ थ्री नेगेटिव बायकार्बोनेट में प्लस हाइड्रोजन आयन में सो so, जब भी एसिडिक कंडीशन है अभी टिश्यू कैपिलरीज के पास क्या है सीओ टू ज्यादा है तो सीओ टू डिफ्यूज हो गई सेल के अंदर और क्या रिलीज किया एच के साथ कन्वर्ट होके एक कार्बोनेट आयन और एक एच पॉजिटिव आयन एसिड रिलीज किया ये एच पॉजिटिव आयन क्या होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है ताकि वहां का पीएच सेल के अंदर का जो पीएच है वो मेंटेन रह सके बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए और ये जो एच सी ओ थ्री नेगेटिव है बाय कार्ब है ये सेल के बाहर प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है और इसके बदले में प्लाज्मा से क्या जाता है क्लोराइड आयन अंदर जाता है सेल के जिसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट तो एच सी ओ थ्री नेगेटिव बाहर चल जाता है और क्लोराइड आयन जो है वो अंदर चल जाता है चार्जेस को बैलेंस करने के लिए सो so, इस तरह से सेल के के अंदर होता है Hb, uh, जो molecule है 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 जो जो वो bind हो जाता है। कौन सी में में अब जो lungs की capillaries है, lungs के पास क्या ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है वहां की जो कैपिलरीज है वहां ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है सो सेम हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल uh, है रेड ब्लड सेल के अंदर वो क्या करेगा अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया तो मैंने बताया था कि ये एक टाइम पर एक के साथ बाइंड हो जाता है तो ये एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा जब एच पॉजिटिव आयन फ्रीली घूमेगा तो ये क्या होगा एच पॉजिटिव आयन को कौन रिसीव कर लेगा बाइकार्बोनेट कार्बोनेट क्योंकि ये जो बेस है ये बेस क्या करता है ये एच पॉजिटिव आयन को रिसीव करता है तो ये बाय कार्बोनेट एच सी ओ थ्री माइनस के साथ एक्सेप्ट uh, इसको कर लेगा और जो इक्वेशन है वो देन ऑपोजिट हो जाएगी देन एस टी एस टू सी ओ थ्री बनेगा कार्बोनिक एसिड देन एस टू ओ प्लस सी ओ टू और ये जो एस टू ओ प्लस सी ओ टू है ये CO2 लंग्स से बाहर एक्सहेल हो जाएगी तो लंग्स की कैपिलरीज में ऐसे होता है और टिश्यू की कैपिलरीज में ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो ऐसे एक्ट करता है अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज बफर इन दी प्लाज्मा ये हमने पढ़ा इंट्रा सेलुलर में जो हीमोग्लोबिन है या प्रोटीन्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं अब प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लाज्मा में ई में ब्लड में कैसे एक्ट करते हैं सो so, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उसके साइड चेंज होती हैं जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामिक एसिड अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन इमिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन सो ये सभी uh, क्या है है जो कि ईसीएफ में वर्क करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड में अब कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे एक्ट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है सी ओ ओ एच ये क्या है ये एक वीक एसिड होता है ये कैसे एक्ट करता है ये हमें पता है कि एसिड क्या रिलीज करता है एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो ये सी ओ ओ प्लस एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है तो जब भी बेसिक कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन को सिक्रीट करेगा ताकि एसिडिक कंडीशन हो क्योंकि एच पॉजिटिव क्या है बार बार मैं बता रही हूँ ये क्या है एसिड है सिंपली अब ऐसे ही जो अमाइनो ग्रुप है वो कैसे एक्ट करता है सो दिस इज अमीन ग्रुप ये क्या होते हैं ये एज अ वीक बेस एक्ट करते हैं और ये वीक बेस किसको रिसीव कर लेगा एच पॉजिटिव आयन को क्योंकि बेसिस रिसीव करते हैं एक्सेप्ट करते हैं प्रोटोन को एंड देन क्या बना देते हैं ये अमोनिया एम एच थ्री सो ये अमोनिया बना देते हैं सो so, इस तरह से पी एच बैलेंस मेंटेन होता है एसिडिक कंडीशन है तो क्या करेगा ये जो बेस है ये एसिड को रिसीव कर लेगा और अमोनिया बना देगा अगर बेसिक कंडीशन है तो ये एसिड क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा और ऐसे जो पी एच है वो मेंटेन होगा नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ लंग्स अब मैंने पहले बताया था कि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं किडनीज एंड लंग्स सो लंग्स का रोल देखते हैं कैसे है ये जो लंग्स है ये ब्रेन के साथ एक्ट करते हैं दोनों मिलके काम करते हैं कैसे जब भी पी में कोई चेंज आता है ब्लड में जो ब्रेन है वो सेंस कर लेता है पी को क्योंकि वहाँ कीमो रिसेप्टर्स है कीमो रिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि पी कम हो गया एसिडिक हो गया है या बेसिक हो गया है तो अब लंग्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माइल्डली एसिडिक है इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म सेल्स कॉन्टीन्यूसली मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं सी टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कई बार बोल दिया कि वो एसिडिक है क्योंकि वो एच पॉजिटिव आयन फर्दर रिलीज होते हैं उसकी प्रेजेंस में देन इट देन पासिस फ्रॉम द सेल्स इन टू द ब्लड अब ये जो सी टू है वो क्या है एक गैस है सेल्स रिलीज करते हैं देन ये ब्लड में आ जाती है ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है द ब्लड कैरी सी टू टू लंग्स अब ये ब्लड जो है सी टू को लंग्स के पास लेकर जाती है वेयर इट इज एक्सेल्ड जहां से वो एक्सेल हो जाती है तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट सी ओ टू प्लस एच टू ओ यह जो सीओ टू जो कि सेल से आ रही है ये वॉटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है ये देन किसमें डिफ्यूज हो जाता है फर्दर एच सीओ थ्री माइनस बायकार्बोनेट में प्लस एच पॉजिटिव आयन में तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे इंपॉर्टेंट है एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड द पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीजेस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एसिडिक है जैसे ही ब्लड में इसका अमाउंट ज्यादा होने लगेगा तो पीएच क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि 7.35 से 7.45 हमारा नॉर्मल पीएच अगर 7.35 से कम हो गया तो एसिडिक तो वो एसिडिक हो जाएगा और एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी अब क्या होगा ब्रेन इस एसिडिक इन्वायरमेंट को सेंस कर लेगा ब्रेन देख लेगा कि इसमें क्या है इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो रहा है ब्रेन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एक्सहेल्ड। अब ब्रेन कैसे रेगुलेट करता है ब्रेन क्या करेगा अब वो क्या करेगा स्पीड एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा वेंटिलेशन को कंट्रोल करेगा क्योंकि ब्रेन और लंग्स ने अब मिलकर काम करना है ब्रेन ने लंग्स को क्या बोला कि तेरी बॉडी में क्या हो रहा है सीओ टू का लेवल ज्यादा हो रहा है एसिडिक एनवायरमेंट ज्यादा हो रहा है तो सीओ टू को तो बाहर निकाल दे तो लंग्स ने क्या करना है लंग्स ने अपना रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज कर लेना है हाइपर वेंटिलेशन कर लेना है लंग्स जब हाइपर वेंटिलेशन करेगा तो सीओ टू क्या होगा एक्सहेल आउट हो जाएगी सीओ टू ज्यादा बॉडी से बाहर जाएगी तो अगर पर्सन हाइपर वेंटिलेशन इज लाइक तो जल्दी जल्दी जल जल ब्रीदिंग कर रहा है तो सी बाहर जा रही है राइट right? तो ऐसे रेट ऑफ ब्रीदिंग एडजस्ट करके जो ब्रेन और लंग्स है ये दोनों मिलके क्या करते हैं ब्रेन एक्चुअली जस्ट सेंस कर रहा है ब्रेन का काम तो सेंस करना है मेन वर्क जो लंग्स ने करना है राइट right? लंग्स और किडनीज दो ऑर्गन है जो मेन वर्क करते हैं एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसका ऑपोजिट क्या होगा अभी एसिडिटी हो रही है बेसिक कैसे होगा जब सी का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा जब सी का लेवल ब्लड में कम होगा तो ब्रेन क्या सेंस करेगा कि सी का लेवल कम है एल्कलाइन हो गया है मीन्स ब्लड में क्या हो गया एल्कोलोसिस हो गया है उस कंडीशन में ये क्या करेगा ब्रेन नॉर्मली क्या करना चाहिए ब्रेन को ये सेंस करना चाहिए और लंग्स ने क्या करना है रेट ऑफ ब्रीदिंग को फास्ट करना है या कम करना है अब अब लंग्स ने रेट ऑफ ब्रीदिंग को कम करना है क्यों करना है हाइपोवेंटिलेशन करनी है ताकि सीओ बॉडी में रिटेन ही रहे अब वो हाइपोवेंटिलेशन करेगा धीरे से सांस लेंगे क्यों ताकि CO2 जो है बॉडी में ही रहे CO2 को अब हमने बाहर नहीं भेजना क्योंकि CO2 की वजह से ही एसिडिक है तो एक बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में नॉर्मली बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग देन आता है बाय एडजस्टिंग द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग द ब्रेन एंड लंग्स आर एबल टू रेगुलेट द ब्लड पी ये ब्लड के पीएच को रेगुलेट करके रखते हैं अब इस इक्वेशन पर आते हैं वापस CO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है इस तरह ये इक्वेशन चलती है सेल से आया ये CO2 सेल से किसकी तरफ जा रहा है CO2 ओ uh, टू के साथ रिएक्ट किया कार्बोनिक एसिड बनाया बायो कार्बोनेट आया एंड एच पॉजिटिव अब ये जो इक्वेशन है यहाँ ये किसका काम है किडनीज का इस इक्वेशन को इधर से हैंडल करना किडनीज़ का काम है और इस साइड से हैंडल करना किसका काम है लंग्स का जैसे कि एच पॉजिटिव आयन की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है बॉडी में एच पॉजिटिव आयन ज्यादा बन रहे हैं तो बायकार्बोनेट क्या करेंगे एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया तो दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया एच टू सीओ थ्री H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड अगर ये इक्वेशन इधर से ये इक्वेशन किसी भी साइड चल सकती है रिवर्स भी हो सकती है तो अभी रिवर्स हो रही है तो कार्बोनिक एसिड किस में ब्रेकडाउन हुआ सी ओ टू और H2O में तो सी टू लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाता है रेट ऑफ ब्रीदिंग लंग्स एडजस्ट करता है कितनी सी टू बाहर निकालनी है कितनी नहीं निकालनी तो ये वाला पार्ट जो है लंग्स एक्ट करता है अब अगर ये इक्वेशन इस साइड चल रही है एच सी यू थ्री नेगेटिव सपोज बायकार को रीएब्सॉर्ब कम करेगी ताकि ये एच पॉजिटिव आयोजन और एच सी थ्री नेगेटिव जो बायकार्बोनेट आयन है इसको एब्जॉर्ब करके रखेगी इसको रीएब्सॉर्ब करेगी इसको रीअब्सॉर्ब करने से क्या होगा जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी पीएच की एच पॉजिटिव आयंस सिक्रीट आउट हो जाएंगे किडनी से थ्रू यूरिन तो ऐसे ये वाली जो इक्वेशन है ये किडनीज हैंडल करती है इधर वाली तो इसलिए किडनीज और लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अब दो कंडीशन होती हैं एक होती है एसिडोसिस और एक होती है एल्कलोसिस एसिडोसिस क्या होता है कि अगर पीएच 7.35 से नीचे चला जाए तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस और अगर पीएच 7.45 से ऊपर चला जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस अब एसिडोसिस और एल्कोलोसिस दो तरह से होते हैं रेस्पिरेटरी अगर लंग्स की वजह से सीओ टू का अगर लंग्स की वजह से एसिडिटी हो रही है या एल्कोलोसिस हो रही है तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस अगर किडनीज इन दोनों में से किसी को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मीन्स अगर किडनी की वजह से क्या हो रहा है एसिडिटी या फिर एल्कलाइन हो रहा है तो वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये जो सी ओ टू है इसका लेवल क्या है बॉडी में ज़्यादा हो रहा है ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा हो रहा है जब ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम किस तरह से देखते हैं पी सी ओ टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू यह एबीजी में भी आएगा ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे बट अभी जस्ट मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ तो अगर लंग्स की वजह से मीन्स अगर सी टू का लेवल ज्यादा हो रहा है बॉडी में तो सी टू हमने किससे रिलेट करना है लंग्स से रेस्पिरेटरी से सो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू कितना होता है नॉर्मल थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव तो ये हम कैसे याद रख सकते हैं क्योंकि पीएच जो है ब्लड का वो सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव है तो ये लास्ट के डिजिट याद रख लो थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू होता है ये अगर थर्टी फाइव से कम हो रहा है या फिर फोर्टी फाइव से ज्यादा हो रहा है अगर 35 से कम हो रहा है इसका मतलब सी टू क्या है एसिड है तो कम हो रहा है अगर एसिड कम हो रहा है बॉडी में तो बेस बनेगा तो इसका मतलब एल्कोलोस होगा तो वो कौन सा एल्कोलोस होगा रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस अगर 45 से ज्यादा हो रहा है सीओ टू का लेवल तो वो क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसे ही इधर साइड अगर हम चले किडनीज की तरफ तो ये क्या है मेटाबॉलिक है इसमें क्या है इसमें हम इसका लेवल देखते हैं बाइकार्बोनेट का एच सी ओ थ्री माइनस दोनों का जो लेवल है इन सीओ टू और एच सी ओ थ्री माइनस इनका बैलेंस ही इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है ये चीज आप याद रख लें तो एच सी ओ थ्री माइनस क्या है बायकार्बोनेट आयन है इसका लेवल कितना होता है इसका लेवल होता है हमारे ब्लड में ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सिक्स अब अगर इसका लेवल एस सी ओ थ्री माइनस का लेवल ट्वेंटी टू से कम हो जाता है इसका मतलब अगर बेस कम हो रहा है बॉडी में तो क्या होगा एसिड ज्यादा होगा अगर ट्वेंटी सिक्स से ज्यादा हो गया मतलब क्या हो रहा है बेस ज्यादा हो रहा है एल्कलोसिस हो रहा है और एसिड का लेवल कम हो रहा है तो अगर तो कम होता है तो इसका मतलब बेस का लेवल अगर कम हो रहा है तो एसिडोसिस कंडीशन होगी और क्योंकि एस सी ओ थ्री नेगेटिव हमने किससे रिलेट किया है किडनी से तो वो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा अगर एच थ्री माइनस का लेवल ज्यादा हो जाता है तो बेस बेस का लेवल ज्यादा हो गया बॉडी में तो एल्कोलोसिस कंडीशन होगी और वो कौन सी होगी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस तो इसको हम फर्दर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब यहां पर जल्दी से रोल ऑफ लंग्स देख लेते हैं दोबारा से एसिड बेस होम्योस्टेसिस अगर डिस्टर्ब हुआ है पीएच कम हुआ है या ज्यादा हुआ है अगर पीएच कम हुआ है तो देख लेते हैं कैसे कम होता है उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस जब पीएच कम हो जाता है ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन और आर्टीरियल रिसेप्टर को आर्टरीज के वहां पर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन ने लंग्स को सिग्नल भेजा और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर दिया क्योंकि पीएच डिक्रीज हुआ है इट मीन बॉडी में क्या हो रहा है एसिडिटी हो रही है एसिडिटी क्यों हो रही है क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ गया होगा ये इसके ऑपोजिट होता है वो इक्वेशन आपको याद है पीएच इज इक्वल टू एस सीओ थ्री माइनस अपोन सीओ टू सीओ टू बढ़ेगा तो पीएच कम होगा एंड वाइस से सो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया है अब रेस्पिरेटरी रेट जब इंक्रीज हुआ तो सी टू को ये क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा बॉडी से एक्सहेल आउट करेगा तो ब्लड सी ओ टू वापिस से क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा और ब्लड का जो एच टू सी थ्री लेवल है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि सी टू की प्रेजेंट में ही कार्बोनिक एसिड बनता है और कार्बोनिक एसिड कम होगा तो आगे एच पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होंगे अगर आपको इक्वेशन याद है तो पी एच क्या होगा वापिस से बढ़ जाएगा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो गया दोबारा से होम्योस्टिस मेंटेन हो गया ये नॉर्मली ऐसे होना चाहिए अगर नहीं हो रहा तो वो कंडीशन हो जाएंगी जो मैंने अभी बताई रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एसिडोसिस अब पीएच अगर इंक्रीज हो गया है पीएच इंक्रीज का मतलब क्या है कि कंडीशन क्या होगी है बेसिक होगी है बेसिक का मतलब एल्कोलोस हो गया है पीएच इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो सी टू क्या हो गया डिक्रीज हो गया मतलब हमारी बॉडी में सी टू की कमी है अब सी टू लेके आना है तो कैसे ये स्टिमुलेट करेगा ब्रेन और आर्टीरियल रिसेप्टर ब्रेन स्टिमुलेट हो गया अब रेस्पिरेशन रेट क्या होगा कम होगा क्यों क्योंकि रेस्पिरेशन रेट जब कम होगा तो हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे हाइपोवेंटिलेशन होगी और बॉडी में सी टू रिटेन रहेगी तो ब्लड सीओ टू रिटेन रहेगी तो ब्लड सीओ टू का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा जिससे कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो एच पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे इक्वेशन आगे बढ़ेगी तो पीएच क्या होगा डिक्रीज होगा और ब्लड में पीएच क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा तो इस तरह से एसिड बेस्ड बैलेंस रिस्टोर करता है लंग्स अब जो हमने रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस पढ़ा एसिडोसिस पढ़ा या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस पढ़ा है तो उसके कोजेस क्या है वो क्यों होता है वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे देन उसके बाद आता है रोल ऑफ किडनीज किडनीज का क्या रोल है एसिड बेस्ट बैलेंस मेंटेन करने के लिए लास्ट है ये नॉर्मली एच पॉजिटिव्स आर एक्सक्रीटेड एंड एच सी ओ थ्री माइनस आर एब्जॉर्ब बाय द किडनीज किडनीज क्या करती है वही इक्वेशन आपने याद रखनी है एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड किस किसमें कन्वर्ट होता है एच सी ओ थ्री माइनस प्लस एच पॉजिटिव आयंस तो नॉर्मली क्या होता है ये जो किडनी है ये एच पॉजिटिव आयंस को क्या करती है एक्सक्रीट आउट करती है और इसको रीअब्सॉर्ब करती है ताकि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहे वो अलग बात है कि हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो क्या करेगा ये एच पॉजिटिव आयन को एक्सक्रीट आउट करेगा और इसको रीअब्सॉर्ब करेगा या फिर एल्कोलोसिस हो गया तो ये क्या करेगा एस सी यू थ्री माइनस आयंस को बाहर निकालेगा और एच पॉजिटिव आयंस को रिटेन करके रखेगा तो किडनी का ये काम है देन इफ ब्लड इज मोर एसिडिक किडनी क्रीट

अब क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले जो किडनीज़ का रोल है ये क्या है सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है सबसे पहले बफर आते हैं क्विक होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लंग्स होता है लंग्स क्या होते हैं मीडियोकर हैं ये मिनट्स में ठीक करते हैं लेकिन किडनीज क्या है कुछ घंटों से कुछ दिन लेती है पीएच को दोबारा मेंटेन करने के लिए लेकिन ये सबसे इफेक्टिव है सो द रीनल मैकेनिज्म स्लोअर है और मोस्ट इफेक्टिव है टेक्स फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज ये लेती है टू ब्रिंग द पी एच बैक टू नॉर्मल सो हाउ किडनीज रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस सो सबसे पहले किडनीज में मैंने बताया कि जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है वो किसकी हो रही है बायकार्बोनेट आयंस की और एक्सक्रीशन किसकी हो रही है एच पॉजिटिव आयंस की इनका ही बैलेंस कितनी रीएब्जॉर्प्शन होनी है कितनी एक्सक्रीशन होती है वो वो डिपेंड करता है हमारे ब्लड के पी एच पर और किडनीज कैसे उसको एक्सक्रीट आउट करती है सो so, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोन सोडियम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर के बारे में कि कैसे वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और एब्सॉर्ब करता है बायकार्बोनेट आयन को सो so लेट्स सबसे पहले क्या है अभी हम एक किडनीज का डायग्राम दे ले, देख लेते हैं जल्दी से नैफ्रोन का किडनीज में बहुत सारे नेफ्रोन्स प्रेजेंट होते हैं नेफ्रोन्सी फ़िल्टर करते हैं ब्लड ब्लड को प्लाज्मा को जिससे यूरिन बनता है क्यों फिल्टर करते हैं ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एसिड्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से और जो यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे कि न्यूट्रियस हैं वॉटर है इलेक्ट्रोलाइट्स है, हैं प्लस अभी हमने देखा कि एच सी ओ थ्री माइनस भी रीअब्जॉर्ब होता है तो ऐसी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करने के लिए सो नैफ्रोन को देख लेते हैं क्विकली सपोज दिस इज नेफ्रोन ये कलेक्टिंग है राइट अब ये नेफ्रोन के फर्स्ट में क्या होता है यहां पर बोमेन्स कैप्सूल होता है ग्लोमेरुलस होता है जहां पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है वहां से उसके बाद ये पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटि ट्यूब्यूल जहां से फर्स्ट एंटर करता है फिल्ट्रेट देन ये लूप ऑफ हेनले है लुपोफेल्ले एंड देन ये डिस्टल कॉन्वलेटिव ट्रिब्यूल डी और ये क्या है कलेक्टिंग डक्स जो कि कलेक्ट करती है सारे फिल्ट्रेट को यूरिन को सबसे पहले हम इसको जूम करके देखेंगे पीसीटी में क्या हो रहा है अप्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्रिब्यूल में क्योंकि यहीं पर ये एब्जॉर्ब्शन होती है बायकार्बोनेट आइन्स की सो so, इसी को यहाँ पर दिखाया हुआ है सो so, ये इसका ल्यूमन है अंदर वाला पार्ट सो so, ये ल्यूमन है और यहाँ पर ये जो इसकी लाइनिंग है यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स बोलते हैं इनको और इन ब्रश बॉर्डर सेल्स के सरफेस पर क्या होते हैं विलाए होते हैं ये इस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है विलाये ये सेल्स हैं तो सेल्स में सबसे पहले ये जो ल्यूमन है इसके अंदर जब फिल्ट्रेट एंटर करता है तो एंटर करता है तो यहाँ पर क्या एंटर करता है बाय कार्बोनेट आयन भी एंटर करते हैं जब बाय कार्बोनेट आयन एंटर करते हैं सो सेल क्या करता है क्योंकि ये एक बेस है बाय कार्बोनेट आयन तो ये किसको एक्सेप्ट करेगा ये प्रोटोन्स को एक्सेप्ट करेगा अब इसे क्योंकि जो किडनीज है उसने एच पॉजिटिव आयन को एक्सक्रीट आउट करना है और इसको रीअब्सॉर्व करना है बायकार्बोनेट को इसका मेन काम ये है तो इसने क्या करना है कि जो ये जो सेल्स हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स यहाँ से एक एच आयन जो है क्योंकि सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं तो ये जो एच आयन है ये सेल के बाहर ल्यूमन में आ जाएगा अब ये ल्यूमन में कैसे आएगा यहाँ पर एक क्या है ट्रांसपोर्टर है कौन सा प्रोटोन सोडियम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर सो ये प्रोटोन है एच पॉजिटिव आयन और इसके बदले में क्या जाएगा अंदर एक सोडियम जाएगा सो so, ये जो यहां पर ट्रांसपोर्टर है ये किस इसको क्या कहते हैं प्रोटोन सोडियम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर अब ये दोनों जब इकट्ठे हो गए तो ये वही इक्वेशन है कार्बोनिक एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड एस टू प्लस सीओ टू में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम फोर यहां पर एक्ट करता है अब ये जो एस टू और सीओ टू है ये इजिली सेल के अंदर वापस चल जाते हैं इनको कुछ भी चैनल या ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए CO2 और H2O देन दोबारा से क्या बनाते हैं कॉम्बाइन होकर कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एंड हाइड्रेज एनजाइन टू एंड देन ये किसमें स्प्लिट हो जाते हैं दोबारा से H पॉजिटिव आयन और एच सी ओ थ्री माइनस बाय कार्बोनेट में अब ये H पॉजिटिव जो आयन है ये दोबारा से ये साइकिल रिपीट हो जाएगी और इसने क्या करना है ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में अब ये ब्लड में कैसे रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ पर भी सेम ऐसे ही सोडियम ट्रांसपोर्टर है अब ये सोडियम ट्रांसपोर्टर क्या करेगा इसको यहां पर को ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम को भी ब्लड में भेज देगा और एच सीओ थ्री माइनस को भी ब्लड में भेज देगा तो इससे क्या होगा बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में दोबारा अब क्योंकि सोडियम ब्लड में गया तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक चीज बाहर आएगी वो क्या आएगी ब्लड से क्लोराइड आयन और ये वापस जाएगा ब्लड में राइट सो यहां पर क्या है आ, क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट कि क्लोराइड तो सेल में आएगा और एच थ्री माइनस क्या है वापस ब्लड में जाएगा तो यहां पर रीअब्जॉर्ब किसकी हो गई एच थ्री माइनस की और एक्सक्रीशन किसका हो गया यूरिन में एच पॉजिटिव आय एसिड का और बेस जो है वापस रीअब्जॉर्ब हो गया ब्लड में अब देखो अब ये क्या है ल्यूमन है हमारा नेफ्रोन है अंदर से अब नेफ्रोन के अंदर क्या यूरिन बन रहा है जो कि एक्सक्रीट आउट होना है हमारी बॉडी से तो ये नेफ्रॉन में अगर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए सपोज बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन हो गए तो क्या होगा यूरिन का पीएच भी तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा या घटेगा सो so, यूरिन का पीएच घटेगा यूरिन का पीएच डिक्रीज होगा क्योंकि एच पॉजिटिव आयंस क्या है एसिड है जब एसिडिटी बढ़ती है तो पीएच डाउन जाता है 7.35 से नीचे ब्लड में और इसमें कितना पीएच होना चाहिए यूरिन में कितना पीएच होना चाहिए मिनिमम 4.5। इससे नीचे यूरिन का पीएच नहीं जाता क्योंकि यूरिन में भी बफर सिस्टम है यूरिन में भी बफर होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं सो so, वो हम देखेंगे अब यूरिनरी बफर दो है यूरिनरी फोर्सफेट बफर सिस्टम और एक है अमोनिया बफर सिस्टम उसको भी हम देखेंगे सबसे पहले यूरिनरी फोर्सफेट बफर सिस्टम को देखते हैं सो so, ये अगेन हम नेफ्रॉन ड्रॉ करते हैं नेफ्रॉन का इनसाइड जो ल्यूमन है और यहाँ पर ये सेल्स ये कौन से सेल्स हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स जो कि नेफ्रॉन की, की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेट ट्यूब्यूल है ये अब यहां पर क्या हो रहा है जो फिल्टर होकर आए हैं फोस्फेट कौन से फोस्फेट मोनोहाइड्रोजन फोस्फेट मोनोहाइड्रोजन फोस्फेट क्या है मोनोहाइड्रोजन फोस्फेट क्या है ये एक वीक बेस है एच 2- फोर टू माइनस अब ये क्योंकि एच पॉजिटिव आय प्रेजेंट है यूरिन में तो इसको इसने न्यूट्रलाइज करना है अब बेस क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा डाईहाइड्रोजन फोस्फेट हाइड्रोजन फोस्फेट क्या है वीक एसिड है जिससे यूरिन का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होता अब ये क्या बन जाएंगे एच टू पीओ फोर माइनस एच टू पीओ फोर माइनस जो कि क्या है हाइड्रोजन फोस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरह से फोस्फेट बफर सिस्टम यूरिन में एक्ट करता है नेक्स्ट हमारा है अमोनिया बफर सिस्टम अमोनिया बफर सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है सो so अभी हम दोबारा से नेफ्रॉन का जो ल्यूमन है वो ड्रॉ करेंगे यहां पर कौन से सेल्स प्रेजेंट है ब्रश बॉर्डर सेल्स अब ये जो सेल्स हैं इनमें भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो ये सेल्स क्या करते हैं अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन करते हैं अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होता है अमोनिया अब ये अमोनिया जो है ये लिपिड सोल्यूबल है तो ये सेल के बाहर ईजिली चल जाता है ल्यूमन में सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है क्योंकि यूरिन का पीएच क्या हो रहा है एसिडिक हो रहा है अब तो ये बफर क्या करेगा ये यहां पर आ जाएगा अमोनिया बाहर आ गया क्योंकि ये वीक बेस है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसको एक्सेप्ट करके ये क्या बनाएगा एमोनियम आयन एन एच फोर पॉजिटिव एनएच फोर एन एच फोर एमोनियम आयन को बना दिया अब ये क्या है ये है वीक एसिड तो ये इजिली यूरिन में क्या हो जाएंगे पीड आउट यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे एक्सक्रीट आउट होने से पहले यूरिन में एक और आयंस प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड आयंस जो कि इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे एनएच फोर पॉजिटिव क्लोराइड So, ये यूरिन में पीड आउट हो जाएंगे तो इस तरह सेल्यूलर फ्लू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में भी एक्ट करते हैं और ये हमने यूरिनरी बफर पढ़े जो कि यूरिन के पीएच को भी मेंटेन करते हैं किडनीज और लंग्स का इंपॉर्टेंट रोल पड़ा हमने कि एसिड बेस बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं तो ये बेसिक क्लियर करने आपके लिए बहुत जरूरी है एसिड बेस्ड चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर एसिड बेस्ड कोई भी जो कंडीशन है जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस को समझने के लिए सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग